सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा में जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिकंदरपुर में ये खासतौर पर कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया और इस दौरान सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। तो वहीं हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बातचीत की। अंग्रेजों की जिसने औकात दिखाने की ठानी थी, आजाद हिंद के नाम से जिसने एक फौज जो है वो बना डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज संपूर्ण देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है और इसी के चलते हरियाणा के अंदर भी इसका जोर शोर से जो है इसको मनाया जा रहा है और लोग हर कोई चाहता है कि आज जो हम आज़ाद हुए हैं तो हम संपूर्ण तरीके से लोग उसका जो सम्मान कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। सिकंदरपुर के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर बोस जी की जो जयंती है वो 125वीं जयंती मनाई जा रही है, लोगों में बेहद उत्साह है और हर एक देश का जो वासी है वो उस समय को नहीं भूल सकता। हमेशा हर व्यक्ति के जो है रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। माँ भारती के सच्चे सपूत, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐतिहासिक दिन है निश्चित रूप से आज ये पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने 1943 में ही पोर्ट ब्लेयर में जाकर आज़ादी का झंडा फहरा दिया था, आज उनकी जयंती को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो 7800 से ज़्यादा स्थानों पर हरियाणा प्रदेश में सभी गाँवों में या सभी शहरों में ग्रामीण अचल और शहरी अचल दोनों जगह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सुभाष चंद्र जयंती जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुभाष जी की 125वीं जयंती पर एक ज़रूर अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरा आग्रह होगा तमाम देशवासियों से, तमाम हरियाणा वासियों से, तमाम गुड़गांव वासियों से कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत जी, सभी के सहयोग से, सभी के प्रयासों से हमें स्वतंत्रता मिल गई। अब हमें ज़रूरत है इस स्वतंत्रता को आगे बरकरार रखें, हम विकासशील बने। ये जो विचारधारा थी, आप समझिए, सुभाष जी ने IAS इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम पर होती थी, उसको छोड़ के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, उसको छोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, तो ये विचार, ये जुनून आज हमारी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में भी होना चाहिए। 125वीं जयंती बहुत अच्छी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की देन है जो कि ये मना रहे हैं और पहले कभी नहीं मनाई। पहली बार ऐसा देश के अंदर हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को याद किया गया हो, शहीदों के परिवारों को याद किया गया हो। देखो बेटा, कई चीज़ें अब तक छुपाई जाती रही हैं। मैं खुद देखकर आया हूँ, वीर सावरकर जिस कोठरी में बंद थे उसके नीचे ही फांसी दी जाती थी, उसके नीचे ही, कि वो देखते रहे और फांसी से उससे वो प्रभावित हों, और इतनी जेल की कोठरियाँ उनको दी हुई थी, यहीं लेटना है, यहीं सोना है, यहीं खाना है, इस तरह का। मतलब कि हमारे देश की पहली वाली जनरेशन ने इतिहास को इतना गलत पेश किया है। सभी लोगों में जो है वो बेहद जोश है, हर कोई जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, जय हिंद बोस के नारे लगा रहा है, जो कि हमारे देश के अंदर आज़ादी हमें दिलाने में एक बड़ा योगदान जिनका रहा था उनको याद किया जा रहा है। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसी तरीके से जो है आपको भी आगे बढ़ना है और अपनी इस आज़ादी को हमेशा याद रखना है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, खबर फास्ट, गुरुग्राम। देश सहित पूरे प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती